हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कोरोना महामारी में सुरक्षित होंगे। तो अभी मेरे सियरा के रिगार्डिंग ये वीडियो है, आपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा। तो गाड़ी एक्चुअली मैं अभी रायपुर से झारखंड बोकारो स्टील सिटी ले आया था। क्यों लाया, कैसे लाया, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पूरे ट्रिप की डिटेल सब कुछ। फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी में काम स्टार्ट करवाया है। तो सबसे पहले काम स्टार्ट करवाया है मैंने गाड़ी के बॉडी वर्क से, लाइक जो एल्पाइन विंडो थी उससे पानी अंदर आ रहा था, राइट साइड वाली विंडो से। तो उसे मैंने उसे खुलवा कर उसे पूरा रिपेयर करवा के, और जहाँ जहाँ बॉडी वर्क में काम था वहाँ से मैंने स्टार्ट करवाया। लाइक बॉडी वर्क सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। तो राइट नाउ मैं बोकारो में हूँ और अभी मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि एक्चुअली कल मैंने कार दी थी, तो कल मैं शूट नहीं कर पाया था क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी। तो आज मौसम अच्छा है तो चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम हुआ है। कल उन्होंने गाड़ी खोली थी तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ डैमेज है गाड़ी में, क्या है और क्या क्या काम मुझे अभी करवाने हैं, और उसके बाद फिर अभी तक क्या प्रोग्रेस हो गया है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो, मैं फ़ोन निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो वीडियो में सियरा को, और ये सेक्टर 5 में मैं MG मोटर्स करके गैरेज है वहीं पर हूँ, और ये सामने इसके ओनर खड़े हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये यही वाली विंडो थी जिसमें एक्चुअली पानी अंदर आता था। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी सड़ गया है यहाँ पर, और इधर भी काफ़ी सड़ गया था अंदर में भी। तो जब इसे हमने खोला तो देखा कि ये पानी अंदर आते हुए ये काफ़ी अंदर भी सड़ गया था। तो हालांकि मैंने तो पहले सोचा था कि सिर्फ ये विंडो ही रिपेयर करवा दूं, लेकिन अभी तो ये पूरा कर रहा हूँ क्योंकि अब खुली है गाड़ी तो सही से कर लेता हूँ काम। ये आप देख सकते हो ये काफ़ी सड़ गया है। फिर ये हमने पीछे का सीट निकाल दिया है, और आप देख सकते हो गाड़ी अभी काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, आपने तो इसके दूसरे वीडियो में देख रखा होगा। और दूसरा क्या था दिक्कत, ये वाली पूरी पार्ट सड़ी हुई थी, तो ये कल उन्होंने बना के लगा दिया है। ये हालांकि काफ़ी हैवी मेटल लगाया है इन्होंने, और अभी आपको मैं अंदर चलता हूँ फिर दिखाता हूँ। आप अभी देख सकते हो ये वाली पार्ट जो है ये एक्चुअली सड़ी हुई थी, जहाँ पे ये बॉडी है तो उन्होंने ये मेटल फ्रेम डिज़ाइन करके यहाँ पे इसे वेल्ड करके उसे स्ट्रेंथनिंग देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो पार्ट थी ये भी पानी के कारण काफ़ी सड़ गई थी। लाइक मुझे लग रहा है पानी 5-6 सालों से अंदर आ रहा था। जो लास्ट ओनर थे जिनसे मैंने गाड़ी ली थी उन्होंने इसे काफ़ी अच्छे से नहीं मेंटेन किया था शायद। मैं कंप्लेन तो नहीं करूँगा, बट ठीक है। आप देख सकते हो इधर भी काफ़ी होल हो रखा है, तो ये सारी चीज़ें रिपेयर करना है, ये भी हो रखा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट अब करवाना है आप तो जानते हो। और दूसरा क्या अपडेट है मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं क्या करवाने वाला हूँ। लाइक ये जो मैट्स देख रहे हो ये पूरे मैट्स में, मतलब ये गाड़ी जब हो जाएगी तो मैं पूरा क्लीन करवा के ये मैट चेंज करूँगा। और ये पर्सनली मुझे ये रेड नहीं पसंद है, तो ये भी मैं काफ़ी चेंज कर दूँगा। दूसरा ये मेरा जो पावर विंडो का कंसोल था, तो पावर विंडो तो मैंने निकलवा दिया था, और ये हैंड ब्रेक मैंने खुद से ही घर पे खोला था क्योंकि इसका वायर नहीं मिल रहा था। तो अभी मुझे एक पुरानी गाड़ी का वायर मिल गया है तो वो भी यहाँ हम फिट करेंगे। और दूसरा क्या है, ये AC का जो पाइप्स है ये मैं कम्प्लीटली चेंज कर दूंगा। और इसकी जो वायरिंग आप इधर देख सकते हो, ये वायरिंग का जो है ये सब सही ढंग से करवा देना है। और फिर ये वाली लाइट नहीं चल रही है, फिर एक पीछे भी इसमें लाइट आया करती थी यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस पे ये लाइट है एक्चुअली मेरे पास, इसकी भी वायरिंग नहीं है तो इसे भी सही करवा देना है। और तो जो वायरिंग है वो मुझे मेन सही करवा देना है, और सब सारी चीज़ें मैं एक्चुअली सोच, और हाँ एक मेन ज़रूरी चीज़, इसका ब्लोअर एक्चुअली चल रहा है बस, बट AC में कंप्रेशर में लाइट नहीं आ रही है, तो उन चीज़ों को भी सही करना है। मैं बाहर आ जाता हूँ। और दूसरा एक चीज़ मैंने क्या बोल रखा है कि ये जो पार्ट जो खुला है ये पूरा कम्प्लीटली इसे बेल्ट करके ये पूरा कवर करके एकदम सही कर देना है। दूसरा ये वाली लाइट मैंने दिल्ली से ली थी,
तो ये सब भी सब सही हो जाएगा। आप देख सकते हो वायरिंग काफ़ी मेस्ड अप है इसका, तो वो चीज़ें सही करनी है। हालांकि इन्होंने काम अच्छा किया है, लाइक बिना बोले इन्होंने ये स्ट्रेंथनिंग के लिए इधर से एक मेटल लगा के रखा है। लाइक मुझे उतना बॉडी वर्क का नहीं है, बट ये काफ़ी मुझे सही लगा ये चीज़। एक्चुअली दूसरे साइड में नहीं थी, तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी तो आप गाड़ी देख ही रहे हो, नॉर्मल है जैसी थी, काफ़ी खुली हुई है इधर से। और एक्चुअली बारिश का भी मौसम है, तो मैंने बोला इसे कवर के अंदर ही गाड़ी को रखने के लिए। हालांकि अभी मैंने ये निकाल दिया था, इन्होंने ऊपर से भी पीछे की साइड कवर करने के लिए लगा रखा था। ये है, और दूसरा इसका जो रिवर्स नंबर प्लेट है वो भी मैंने दिया है नया बनने के लिए। आप देख सकते हो ये एक्चुअली है 2006 सफारी, जिसमें एक्चुअली सेम इंजन है दोनों गाड़ियों का। लाइक जो 2006 तक की सफारी आती थी शायद उसमें भी सेम इंजन तक आता था, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ सेम इंजन है जो अपने सियरा का है। शायद ये अभी लॉक है। और गाइज ये गाड़ी आप पहचानते हो क्या? ये अपने टाटा सियरा की फोर डोर वर्जन है। आप कमेंट करके इसका नाम बता सकते हो। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो हैंड ब्रेक केबल मैं निकाल के लगाने की बात कर रहा था, मैं इसी गाड़ी में से निकाल के लगाने वाला हूँ हैंड ब्रेक केबल। तो आप देख सकते हो कि इसका बोनेट मुझसे अभी खुला नहीं, मैं देखता हूँ शायद लॉक है या कुछ जाम है, वो मैं बाद में दिखा दूंगा। और ये एक दूसरी सफारी भी खड़ी है, यहाँ काफ़ी टाटा की गाड़ियों का काम होता है। और दूसरे साइड से भी गाड़ी दिखा देता हूँ मैं। हालांकि इस साइड मैंने अभी कुछ काम नहीं करवाया है, मेन मेरा फोकस था कि वो पानी आना वाला पहले बंद हो जाए, आफ्टर दैट किसी और चीज़ पे हम प्रोसीड करेंगे। और ये टेल लाइट जो है, ये मैंने एक्चुअली नोटिस किया कि रॉन्ग साइड का इन्होंने लगा दिया था। लाइक मैंने रायपुर में लगवाया था, मैंने भी उस समय ध्यान नहीं दिया था, तो मेरे पास इसके दूसरी टेल लाइट रखी हुई है, मैं इसे लगाऊंगा, चेंज कर दूंगा। और आप देख सकते हो मैंने नंबर प्लेट अभी निकाल के नया बनने के लिए दे दिया है। और दूसरी एक चीज़ क्या है, नॉट श्योर वीडियो में सही आ रहा है कि नहीं, बट मुझे इसका स्प्रिंग लेफ्ट साइड का थोड़ा एलोंगेटेड लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हो। और ये हमारे ओनर हैं मुन्ना जी। तो सर कैसा चल रहा है सियरा का काम? सब बढ़िया। हाँ बस प्रोग्रेस में है, हो रहा है सही है। ये भी गाड़ी के काफ़ी शौकीन हैं, इन्होंने भी ये सफारी रखी है और स्टेट भी है। आप एक बार इसका बोनेट खोल के दिखा सकते हैं क्या? इसका इंजन मुझे दिखाना है कि दोनों का एक्चुअली इंजन सेम है करके। हालांकि ये गाड़ी काफी दिन से रखी हुई है, इसलिए ये थोड़ा जाम हो गया है, आप देख सकते हो। तो ये सेम इंजन है हमारा जो टाटा सियरा में है। लाइक 2006 तक की जो सफारी आती थी उसमें भी यही इंजन आता था। लाइक आप सब कुछ देख सकते हो सेम है, फ्यूज़ बॉक्स, इवन बैटरी का प्लेसमेंट का जो जगह है। तो मैं सोच के रखा हूँ जो भी मुझे पार्ट्स की ज़रूरत होगी मैं इससे ले लूँगा। और हमारे पास ये बगल वाली गाड़ी तो है ही, ये भी इन्हीं की है। इन्होंने इस गाड़ी को ली थी एक्चुअली रेस्टोरेशन करने के लिए, बट इन्होंने अभी वर्क स्टार्ट नहीं किया है। स्क्रैप करके रखा हुआ है छिलके पेंटिंग, इसके बाद अभी काम स्टार्ट करूंगा। अच्छा नहीं, सही है सही है।